रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी लाइट का जो चैप्टर है आपका वो कंप्लीट कर चुके हैं, और नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी साइंस में फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इससे पहले वाले चैप्टर में जो आपने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो पढ़े लेंसेज मिरर्स के बारे में, वो सब चीज़ें हम तब ऑब्जर्व कर पाएंगे जब हमारे पास आँखें होंगी। तो आँखें ही जो है वस्तुओं को ऑब्जर्व कराती है हमारे लिए, लाइट का यूज करके हम जो है वस्तुओं को देख पाते हैं आँखों से। तो हम थोड़ा सा ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन आई में क्या क्या होता है, किस प्रकार। जनरली तो इसमें एक लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस जिसको बोलते हैं, और वो लेंस की तरह ही काम करता है। उसके अलावा जो इमेज बनती है, किस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को पहचान पाते हैं, किस पार्ट का क्या काम है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में लाइट से रिलेटेड कुछ और फिनोमेना भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, रेनबो है, रेनबो कैसे होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, ये सब चीज़ें। क्योंकि ये सब हम ऑब्जर्व तो आँखों से कर पाते हैं, ह्यूमन आई से ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो उनसे जो है उन फिनोमेना के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि फिनोमेना तो तभी ऑब्जर्व करेंगे ना जब हमारे पास आँखें होंगी, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं किस प्रकार वर्क करती है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जो है कई बार आ जाता है, 6 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले आपका फिगर बनाना चाहिए ह्यूमन आई का, बड़ा सिंपल सा फिगर है, उसमें हम जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम दिखाएंगे यहाँ पर। तो थोड़ा सा हम बता देते पहले ही क्या है, इट इज ए मोस्ट डेलिकेट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन ऑब्जर्व दिस कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई आर एज फॉलोइंग। फिगर ड्रॉ कर रहा हूं उसका ध्यान से देखिए, बड़ा सिंपल सा फिगर है, बनाना आना चाहिए आपको। ये सिंपल सा फिगर ह्यूमन आई का ये है, ज़्यादा कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमें जो है फिजिकल नेचर बताना है इसका, बायोलॉजी का भी इसके ज़्यादा हमें अंदर जाने की जरूरत है। जो मेन चीज़ें हम उनकी बात करेंगे, सबसे मेन पार्ट ये जो है
आपको दिख रहा होगा ये कन्वेक्स लेंस की शेप में, इसको कन्वर्जिंग लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टल से बना हुआ, जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस ही कहते हैं। ये इसके आगे का आगे जो एक पार्ट होता है, एक कवर, ट्रांसपेरेंट कवर होता है ह्यूमन आई के आगे, जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ये एक मस्कुलर डायफ्राम लेंस के ऊपर आगे ये आपको दिख रहा होगा, ये इस सब जो मस्कुलर डायफ्राम को हम आयरिस बोलते हैं। यहां सेंटर में यहां प्यूपिल होती है, पुतली है आपकी, ये जो है जो लेंस को देखो कुछ ऐसे पकड़े हुए हैं, लेंस फिक्स पोजीशन में है, जिनके द्वारा स्लेरी मसल्स इनको हम कहते हैं, ये दोनों तरफ है, दोनों तरफ से आप ऐसे करके लाइन ऐसे देख सकते हैं। स्लेरी मसल्स जो लेंस को पोजीशन में रखती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है इस लेंस की सहायता से वो यहां बनती है। ये जो बैक सरफेस है आई बॉल, आई बॉल की शेप में, तो इसी गोल किसी आई बॉल बोल देते हैं इसको हम, तो ये जो शेप है ये पीछे का जो ये है स्क्रीन की तरह काम करता है, जहां पर जो है इमेज बनेगी, इसको कहते हैं रेटिना। ये इमेज बनने के बाद ये इमेज जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर हमारे माइंड तक जाती है, दिमाग तक जाती है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स, तंत्रिकाएं होती है, पतली पतली नर्व्स होती हैं, जिनको ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व्स। आंख के अंदर एक मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है लाइट के लिए, सबसे ज्यादा लाइट जहां पर पहुंचती है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट जो लाइट का यहां, मतलब अगर हम उसके सेंटर से ऐसे लाइट मिला देंगे, पहुंचा देंगे, इसको एक तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं, तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं येलो स्पॉट, येलो स्पॉट पीत बिंदु। यहां ऑप्टिक नर्व से थोड़ा सा ऊपर यहां एक लीस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, जहां पर लाइट सबसे कम आती है, मतलब सबसे लीस्ट सेंसिटिव होता है लाइट के लिए, और ये जो है पॉइंट कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट, अंधबिंदु। यहां लेंस और रेटिना के बीच का जो ये पार्ट है, ये एक जो है जेली टाइप जो है फ्लूइड से भरा हुआ होता है, जेली में समझते हो, मतलब जो काफी जो है गाढ़ा हो, ऐसा फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और ये जो पार्ट है ये हुआ आपका कॉर्निया और ये हुआ लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में भी खाली जगह जो स्पेस है, ये भी एक जो है फ्लूइड से भरा होता है, वाटरी फ्लूइड, वाटरी में थोड़ा मतलब पतला होता है बिल्कुल पानी जैसा, वाटरी फ्लूइड यहाँ पर भरा होता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये मेन पार्ट जो है ह्यूमन आई के, तो जब भी आपका एग्जाम में आता है तो ऐसे ही करना है, इसके बारे में बता देना फिगर, अब इसके जो पार्ट्स हैं मतलब इसको एक्सप्लेन करना आपको, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा बता देना हर चीज के बारे में, कौन सा पार्ट क्या करता, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पूरा पैराग्राफ बना के लिखते हो या हेडिंग डाल के पॉइंट्स बना के लिखते हो, वो आपकी मर्जी, कैसे भी कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा हम पॉइंट्स लेके चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मेन पार्ट्स के हम सबसे पहले बात कर रहे हैं,
क्रिस्टलाइन लेंस। ये क्या है? इट इज ए कन्वर्जिव लेंस। इट इज ए कन्वर्जिंग लेंस इन ह्यूमन आई। Which forms the image of an object. ठीक है, कॉर्निया। कॉर्निया क्या है बताया मैंने, एक ट्रांसपेरेंट कवर है ह्यूमन आई के जो आगे है, इसके आगे ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा हार्ड कवरिंग है। हार्ड मतलब अंदर के पार्ट भी ज्यादा डेलिकेट है, कोमल है, उनकी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही है, ताकि कोई कचरा अगर आंख में जाता तो डायरेक्ट जो है अंदर जो है इंटरनल जो ऑर्गेन है उनके ऊपर इफेक्ट ना डाले, तो कॉर्निया को प्रोटेक्ट करता है। तो इट इज ट्रांसपेरेंट हार्ड कवरिंग, ट्रांसपेरेंट हार्ड कवरिंग विच प्रोटेक्ट्स इंटरनल डेलिकेट पार्ट्स। ठीक है, ये हुआ कॉर्निया। इसके बाद हम बात करते हैं आयरिस और प्यूपिल दोनों की, एक साथ कर लेते हैं। आयरिस एंड प्यूपिल, ये जो एक मस्कुलर डायफ्राम जो है आंख के ऊपर लेंस के आगे, जिसको आयरिस बोलते हैं, सेंटर जो सर्कुलर अपर्चर है, सेंट्रल पार्ट सर्कुलर होता है, तो प्यूपिल बोलते हैं। तो आयरिस क्या है? Iris is a muscular diaphragm with a circular aperture. Circular aperture called pupil. प्यूपिल क्या करती है? लाइट को कंट्रोल कर, थोड़ा सा जैसे कॉर्निया का बताया हमने, प्रोटेक्ट करने का काम है। ये जो सर्कुलर अपर्चर, सर्कुलर डायफ्राम और सर्कुलर अपर्चर है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? दे प्रोटेक्ट दी, सॉरी दे कंट्रोल दी, दे कंट्रोल द लाइट एंटरिंग ह्यूमन आई। मतलब बहुत ज्यादा एकदम से रोशनी हो जाए, बहुत ज्यादा लाइट हो, तो प्यूपिल जो है सिकुड़ जाती है, ताकि जो ज्यादा लाइट जो है आंख के अंदर ना जाए, डैमेज ना करे आपको। ऐसे डिम लाइट अगर है और साफ देखने में मदद करने के लिए जो प्यूपिल है वो क्या है, फैल जाएगी, ताकि ज्यादा लाइट एंटर कर सके और जो चीजें साफ दिखाई। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप एकदम से जैसे बाहर निकले हैं, बाहर बहुत ज्यादा रोशनी है, आप वहां पर थे, तो क्या होगा, वहां पर प्यूपिल सिकुड़ गई है, ताकि ज्यादा लाइट एंटर ना करे। और जैसे ही आप किसी अंदर आते हो जहां पर डिम लाइट है, तो आपको कुछ देर के लिए एक बार कुछ दिखाई नहीं देता है, मतलब तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा बहुत। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्यूपिल जो है सिकुड़ गई थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी वो, और जब अंदर आए तो उसको फैलने में थोड़ा सा एक बार टाइम लगा। जब तक वो फैल नहीं जाती पूरी तरीके से, लाइट एंटर अच्छे से नहीं करने लगती, तब तक हमें धुंधला दिखाई देता है। तो ये लाइट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रेटिना की। तो रेटिना क्या है? रेटिना बताया आई बोल का जो है इनर बैक सरफेस, क्या बोलेंगे, इनर अंदर का बैक सरफेस, जो एक स्क्रीन की तरह काम करता है। इट इज इनर
back surface of eyeball which acts like a screen where inverted image of an object forms. ठीक है, अच्छा ये रेटिना जो है सेल्स से बना होता है, बहुत सारी सेल्स जो है स्किन पर होती हैं, कुछ उसमें लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, जिससे कि सेल्स जनरली जो है रोड्स और कोन की फॉर्म में होती है, रोड और कोन। तो थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में, इट इज कंसिस्टेड ऑफ सेल्स इन द फॉर्म ऑफ रोड्स एंड कॉन्स। जो है एक टाइप की सेल जो है लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, लाइट पे काम करती हैं, एक टाइप की सेल जो कलर पे काम करती हैं, ऑब्जेक्ट का कलर को पहचानने में। तो ये रेटिना हुआ, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स की बात करेंगे हम, ऑप्टिक नर्व्स। तो नर्व से होती हैं ये बहुत पतली पतली, जो क्या करती हैं, यहां जो इन्वर्टेड इमेज बनी रेटिना पर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके जो है माइंड तक पहुंचाती है, ब्रेन तक पहुंचाती है, जहां पर ब्रेन जो है उसको पहचानता है कि ये इमेज सीधी होती है और फिर वहां पर पहचाना जाता है कि ये चीज है। मतलब हमने देखा, ऑब्जर्व किया, इमेज बनी, वो इमेज कहां पहुंचा सिग्नल, वो ब्रेन के पास पहुंचा, ब्रेन बताएगा कि वो क्या है हमारे सामने, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, दीज आर द नर्व्स विच सेंस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑफ इमेज टू ब्रेन। देखिए, आपके जो लेवल के अनुसार हम कहें, मेन पार्ट आपको इतने बताने काफी है, 10th स्टैंडर्ड तक आप इतना बता दोगे, इनफ है। लेकिन हमने तो चीजें और दिखाई हैं, थोड़ा सा हम बता सकते हैं एक्स इनके बारे में और भी तो अच्छा रहेगा। तो हम एक दो चीजें और बता देते हैं, अभी हम एक चीज तो और रह गई अभी जो आपको बतानी जरूरी है, इनके बारे में जिक्र नहीं किया ना, एक्सिलरी मसल्स, ये तो बताएंगे काफी काम की है ये तो, एक्सिलरी मसल्स। तो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, जो क्या करती हैं, लेंस को पोजीशन में रखती हैं, और खास बात है कि जो लेंस का साइज है वो फिक्स नहीं होता है, ये लेंस के साइज को घटा और बढ़ा सकती हैं, सिलेरी मसल्स। तभी तो हम क्या है, देखो हमारी स्क्रीन तो यहीं पर है ना, इमेज हर बार यहीं पर बनेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट हम एक बार दूर का देख रहे हैं, बहुत दूर का, एक बार बहुत नजदीक का देख रहे हैं। तो आपने लेंस बढ़ाया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज होगी तो इमेज की डिस्टेंस भी चेंज होनी चाहिए ना, एक लेंस से बनेगी। लेकिन यहां पर क्या चेंज होता है, स्क्रीन तो हमारी यहीं पर रहनी है, इमेज तो कितनी दूरी पर बननी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो फोकल लेंथ चेंज करती है, लेंस की फोकल लेंथ। वो कब चेंज होगी, लेंस अपना साइज बढ़ा ले या घटा ले, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द मसल्स मसल्स विच कीप दी
देंगे आप आई लेंस इन पोजिशन एंड हेल्प्स द ह्यूमन आई टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस सिलियरी मसल सही। अब थोड़ा सा बताते हैं विट्रस ह्यूमर तो वही क्या ये एक इट इज ए जेली टाइप इट इज ए जेली टाइप फ्लूड बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना एक्वस ह्यूमर तो ये क्या है इट इज वाटरी फ्लूड बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस लगभग हमने पार्ट चीजें बता दी हैं जो हमें दिखाई हैं येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बता दीजिए येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट सारे पार्ट आपके हो जाएंगे लगभग जो हमने दिखाए हैं यहाँ और भी होते हैं इसके अलावा लेकिन ज्यादा उनको गहराई में जाने की हमें जरूरत नहीं है। येलो स्पॉट ए मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट टू लाइट और रेटिना इज कॉल्ड येलो स्पॉट एंड लीस्ट सेंसिटिव पॉइंट टू लाइट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ये ह्यूमन आई के मेन पार्ट्स हमने बता दिए हैं कि कौन से थे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ढंग से इसका फिगर बना के अब ट्राई करेंगे फिगर बनाने की हर पार्ट पे कौन सा कहाँ दिखाना है और उसको एक्सप्लेन करेंगे इस प्रकार पॉइंट बनाकर उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे ह्यूमन आई के बारे में आगे अब जो है ह्यूमन आई कैसे काम की तो उन्होंने बताया कैसे काम करती है अब जो है इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें कुछ टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे तो अभी के लिए इतना ही ओके थैंक यू।